हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परफेक्ट मूंग दाल की खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मूंग दाल चावल से आप कैसे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस फिंगर लिकिंग खिचड़ी बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको फॉलो करके जरूर देखिएगा एक बार और बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई किया बनाया तो मेरी गारंटी है आप इसको बार बार बनाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें और सीखें किस तरह से मैं बनाना सिखा रही हूं आपको मूंग दाल चावल की खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहां पर आधा कप लिए छिलके वाली मूंग की दाल, जिसको मैंने अच्छे से धोकर पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और बाद में इसका छलनी के हेल्प से पानी अलग कर दिया। तो इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया। साथ ही आधी कटोरी मैंने चावल लेकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका भी पानी मैंने छलनी में डालकर अलग कर दिया। तो भीगे हुई दाल और चावल है, तो दाल और चावल के अलावा हमें कुछ सब्जियां भी लगेंगी। तो सब्जियां अपनी पसंद की आप कोई भी ले सकते हैं, विंटर सीजन है, सब्जियां इजीली अवेलेबल हैं। तो मटर, गाजर, आप इसमें आलू ऐड कर सकते हैं, फूल गोभी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हो वो आप ऐड कर दें। आपको जो पसंद ना हो या आपके पास ना हो वो आप स्किप कर दें। अब आइए हम बनाना शुरू करते हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी मैं बनाऊंगी कुकर में ताकि झटपट से बनकर तैयार हो जाए और बहुत टेस्टी भी बने। तो देखिए, कुकर में मैंने डाल दी है दाल, भीगी हुई दाल। तो चावल भी डाल देते हैं और एक एक करके सारी सब्जियां भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फूल गोभी डाल दिया है हमने, गाजर भी डाल देंगे। आप चाहें तो गाजर को छोटा छोटा काटकर भी ऐड कर सकते हैं। हरी फ्रेश मटर ऐड किए। इसके अलावा आलू भी डाल देंगे। आलू का साइज अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, दाल, चावल और सब्जियां जा चुकी हैं कुकर में। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो इन टोटल 1 कप के करीब यहाँ पर दाल और चावल है, तो हम इसमें 4 कप्स वाटर ऐड करेंगे। नाप कर पानी ऐड करना है। वैसे खिचड़ी में पानी हमें थोड़ा सा बाद में भी ऐड करना पड़ेगा, पर स्टार्टिंग में आप कम ही रखें। वो इसलिए कि जब इसमें सीटी आएगी कुकर में तो दाल ऊपर तक पानी छोड़ती है और काफी सीटी से पानी निकल कर आ जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता और खिचड़ी में भी पानी काफी कम हो जाता है। तो इसलिए पानी स्टार्टिंग में कम ही ऐड करें। मैंने 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया और 1 टेबलस्पून घी डालना है हमें, देसी घी डालना है। इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत ही कमाल का आता है और जल्दी भी पक जाती है खिचड़ी। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लेंगे। जब 2 सीटी आ जाएंगी उसके बाद में कुकर की भाप को हम अपने आप ही निकलने देंगे और कुकर जब पूरी तरह से भाप निकल जाए उसके बाद में ढक्कन को हटाना है। देखिए, कुकर की भाप निकल चुकी थी, ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खिचड़ी बहुत अच्छे से बन चुकी है, दाल, चावल और सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी है, पर खिचड़ी अभी काफी गाढ़ी है। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमने पानी नहीं ऐड किया था ज्यादा, जो मैंने आपको रीजन बताया था। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो यहाँ पर हमें पका हुआ पानी ऐड करना है, यानी कि पानी को अच्छे से बॉईल करके ऐड करना है। तो 2 कप मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। कभी भी कोई भी रेसिपी आप बनाएं तो जब रेसिपी तैयार हो जाती है उसके बाद में हमें पानी कच्चा नहीं ऐड करना होता है, पानी को गर्म करके ऐड करना होता है। अच्छे से खौला लें पानी को, बॉईल कर लें और उसके बाद ऐड करें, वरना हमारी जो डिश है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लग रही है। अगर अभी भी आपको खिचड़ी गाढ़ी लग रही हो तो पानी आप और भी बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से पानी कितना भी कम ज्यादा किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, तो बहुत ही स्पेशल तड़का हम लगाने वाले हैं, तो इसको आप जरूर लगाकर देखें। और इस तरह से अगर आप खिचड़ी बनाएंगे तो उंगलियां चाटते आप रह जाएंगे, इतनी टेस्टी है। और इसको आप हमेशा मेरे ही तरीके से बनाएंगे। तो कढ़ाई ली है मैंने, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट करके हीट कर लें और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून के करीब मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई या सरसों के दाने, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों के दाने लिए हैं 1/2 चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, पर जीरा इसमें तभी ऐड करें आप जब सरसों अच्छे से चटक जाए, क्योंकि सरसों अगर अच्छे से नहीं चटक पाएगी तो ये कड़वापन छोड़ देती है। तो अच्छे से चटकने की जब इस तरह से आवाज आने लगे उसके बाद ही इसमें जीरा ऐड करें। 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है मैंने। 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे और इसके बाद में कुछ करी पत्ते डालेंगे। तो करी पत्ते अगर आपके पास हैं तो आप इसमें 8 से 10 करी पत्ते डाल दें। 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके या फिर कट करके, चॉप करके ऐड कर दें। 2 से 3 हरी मिर्च भी बारीक काट कर ऐड करेंगे।
इसमें अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खिचड़ी का। आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा अगर हींग ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे तो बहुत अच्छी खिचड़ी बनेगी। तो देखिए मीडियम हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड हमने हरी मिर्च और अदरक को भी भून लिया। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के भी इस खिचड़ी को बना सकते हैं। तो एक बड़े साइज की प्याज को बारीक काट कर मैंने ऐड कर दिया। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लीजिए। जब इसमें लाइट ब्राउन कलर आने लगेगा उसके बाद में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो देखिए प्याज में हल्का सा कलर आने लगा है, तो अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर लिए जिसको मैंने रफली काट कर रखा है। तो टमाटर डालकर भी अच्छे से भूनना है हमें। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है ताकि अच्छे से एकदम गल जाए, अच्छे से मशी हो जाए। तो फटाफट से इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक से भी बहुत जल्दी गलता है टमाटर, तो एक चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। खिचड़ी को बॉईल करते समय भी नमक ऐड किया था तो इस समय कम ऐड करें। आधी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आएगा खिचड़ी का। और आधी से एक चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा खिचड़ी का। और बच्चों के लिए बना रहे तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ना डालें, साथ ही हरी मिर्च जो हमने यूज की थी वो भी आप ना यूज करें। तो देखिए थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी डाल दिया है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिलाते हुए हम इसको भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा टमाटर को भी भुनने में, और फिर इसमें हम डालेंगे खिचड़ी जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखी थी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बनाकर देखिए एक बार खिचड़ी, इस तरह से तड़का बनाए, अलग से खिचड़ी को बॉईल करके इसमें ऐड करें और उसके बाद बनाएंगे तो आप देखिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही फिंगर लिकिंग खिचड़ी बनकर रेडी होती है। अगर आपने एक बार मेरे तरीके से बनाया तो आप इसको बार बार बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है, और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बॉईल की हुई खिचड़ी ऐड कर दी है, तो खिचड़ी इसमें डाल दें, अच्छे से तड़के में मिक्स कर लें। और इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और टमाटर हमने इसमें डाला हुआ है, बहुत सारी सब्जियां भी इसमें गई हुई हैं, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाली है। वैसे खिचड़ी बीमारों वाली बोली जाती है, बोला जाता है कि खिचड़ी कौन खाता है, बीमार जब होते हैं तब खाई जाती है। पर इस तरह से अगर आप बनाएंगे मूंग दाल खिचड़ी तो सभी खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे, बच्चे भी इसको बेहद पसंद करेंगे। तो देखिए अब इसमें मिक्स करने के बाद में हम ऐड कर देंगे आधा नींबू का रस, निचोड़ देंगे। साथ ही इसमें ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया, जो कि इसको बहुत अच्छा कलर देगा, खुशबू देगा। तो धनिया जान होती है किसी भी डिश की, लास्ट में जरूर ऐड करें। हरे धनिया के बिना कोई भी डिश हो फ्रेंड्स अधूरी होती है, तो आप इसमें जरूर ऐड करें। मिक्स कर लीजिए, गैस को ऑफ कर देंगे और फटाफट से हम इसको सर्व करेंगे। तो सर्व हम करेंगे इसको गर्मा गर्म, पर इसको ऐसे ही सर्व नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़े से देसी घी के साथ सर्व करना है, क्योंकि देसी घी के फ्लेवर के बिना तो कोई भी खिचड़ी अधूरी है। बिना घी के खिचड़ी बिल्कुल अधूरी होती है। तो मैं इसको निकाल रही हूँ एक सर्विंग प्लेट में, तो आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी खाइए। तो बहुत ही इजी डिनर है, बहुत ही इजी लंच है। मकर संक्रांति के मौके पर भी खिचड़ी बनाई जाती है, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं इसको। थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कीजिए और इसको आप सर्व कीजिए। तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, प्लेट आउट कर लेती हूँ। मैं तो जा रही हूँ इसको सर्व करने, और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने इसको कैसे सर्व किया है। थोड़ा सा दही लिया है, दही पर डाला है मैंने थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा, साथ ही थोड़ी सी हरी चटनी ली है, अचार लिया है और पापड़ है। तो देखिए आप भी इसी तरह से घर में बनाइए वेजिटेबल खिचड़ी, मसाला खिचड़ी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से बनाकर देखिए, और बनाने के बाद फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कमेंट पढ़ना, जवाब देना। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।